पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने घर में घुसकर पीड़ित पर सबल से वार किया और बीच बचाव करने आई पीड़ित की पत्नी के साथ भी मारपीट की। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला कटनी के मुहास गाँव का है, जहाँ पीड़ित रज्जू कुम्हार ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर गाँव के ही राजू, संजय और सोमवती ने मेरे घर में घुसकर गाली गलौज की और सामानों के साथ तोड़फोड़ की। राजू कुमार ने बताया कि आरोपियों ने मुझ पर सबल से जानलेवा हमला किया व बीच बचाव करने आए मेरी पत्नी के साथ भी मारपीट की। वहीं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी रश्मि सोनकर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर राजू और उसकी पत्नी सोमवती व बेटे अजय व बेटे संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूर्व में भी इन लोगों के खिलाफ थाने में कई केस दर्ज हुए थे। फरियादी रंजू की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी में मामला कायम हुआ 452/294/323/324/34 के तहत, जिसमें फरियादी के साथ आरोपी राजू एवं उसकी पत्नी सोमवती व बेटे सौरभ ने इनके घर में घुसकर इनके साथ मारपीट की है, जिसके सर में गंभीर चोट है, जिसका मुलायजा कराया गया, विवेचना जारी है। घुस कर हमको तीन लोग चार लोग राजू है, संजय है, सोमवती है, सब पर मेरे गार्ड मारा है मेरे सिर पे। पुराना झगड़ा मेरी जमीन 70 साल पहले की कागज थी, सब चुरा ली है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।